तो गाइस क्या हालचाल, स्वागत है एक बार फिर से कार फॉर सेल के एक और न्यू एपिसोड में। भाई बहुत टाइम हो गया भाई, 4-5 दिन हो गए, हमारा एक भी एपिसोड नया वाला नहीं आया है। और थैंक यू सो मच जो भी पुराने एपिसोड को जितना भी प्यार दे रहे हो आप, थैंक यू सो मच उनके लिए। और भाई देखो, तुम्हें पता ही है थोड़ा सा अपना हेल्थ प्रो इश्यू हो गया था, आवाज़ से भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा लो लो। तो भाई अभी मैंने सोचा थोड़े ठीक हो गए हैं, तो भाई क्यों ना अपने वापस से अपने काम पे चले और अपना भाई साहब अपना गैराज इसको बढ़ाए, है ना भाई। ये भी तो जरूरी है भाई, काम तो बहुत जरूरी है। तो भाई देखो भाई, मेरे को ये नहीं पता था भाई निसान GT-R इतनी मस्त गाड़ी है। मुझे ये तो पता था कि भाई इसका स्पीड स्पीड ये सब तो बहुत तगड़ी है, लेकिन भाई मेरे को तो ये लेम्बोर्गिनी से भी, यानी महंगी तो थी वो और ऑक्शन में अपन ने ली थी, लेकिन मेरे को इतना पता नहीं था इसके बारे में। तो भाई थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स वगैरह करके मुझे बताने के लिए। और मैं तो सोच रहा था भाई इसको बेच देंगे ये 10-10 लाख में, और लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, ये एकदम रेयर गाड़ी होती है तो इसको बेचना नहीं है। जो भी ऑक्शन से मिलेगी ना हमें मोस्टली कार्स, तो उनको अपन ट्राई करेंगे बेचे ना, है ना, क्योंकि उनसे अपने को मतलब बहुत सारी रेयर गाड़ियां होती हैं जो कि बहुत ही कम मिलते हैं। तो भाई अपन ऑक्शन वाली गाड़ियां कम ही बेचेंगे, तो उसके लिए बताने के लिए तुम्हें थैंक यू सो मच भाई। और देखो ये देखो टेस्ला हमारी, जो कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही करती है भाई साहब, ये एकदम शांत गाड़ी है भाई, इसको तो भाई कहीं भी चलाओ आवाज़ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि ये तो भाई जो रोल्स रॉयल है उसको भी उसके उसको भी ये मात दे देगी भाई आवाज़ में, इंजन की आवाज़ इसकी आती नहीं है। तो भाई देखो अपने पास गाड़ियां हो चुकी हैं कुछ बहुत सारी, तो मैंने क्या सोचा है कि अभी जैसे अपनी निसान GT-R है, इसको अपन रखेंगे अपने घर पे, ठीक है। तो घर के लिए हमारे पास घर होना चाहिए, और घर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा। तो भाई पैसा हमारे पास बहुत ही कम है, यानी वहाँ पे अपन देखना पड़ेगा प्राइस वगैरह क्या है घर खरीदने का। तो अपन चलते हैं अभी नेबरहुड में, ठीक है, प्राइस वगैरह देखेंगे वहाँ पे, और फिर उसी के हिसाब से अपन गाड़ियाँ बेच सकते हैं, फिर गाड़ियाँ बेचेंगे। और मार्केट प्लेस आज ओपन है, तो भाई उसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं, गाड़ियाँ एक बार देख लेंगे भाई कौन कौन सी नई गाड़ियाँ आई हैं वहाँ पर, तो वो भी अपन देख लेंगे। तो यहाँ गाड़ियाँ तो मैंने सारी साफ़ कर दी बातचीत करते करते, और यहाँ पर देखो पता नहीं क्या सीन है भाई, इनका इनका ऑफिस भाई गंदा ही लगता है, चाहे जितना मर्जी साफ कर लो इनको ऑफिस गंदा ही मिलता है। और अनपेड बिल अभी तो बिल पे किए थे यार, फिर भी इनको यार अभी और क्या चीज रह गई यहाँ पर फेंकने के लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही इनको गंदा क्या लग रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई कोई बात नहीं, अभी मैं ये कुछ बिल पेश कर देता हूँ, है ना, बिल पेमेंट कर देते हैं। अच्छा टोटल 1500, ठीक है, ऑफिस इतना, बैंक नथिंग, कार्स इतना, टोटल इनवॉइस अराइव्ड ऑन मंडे, बैंक विल अपीयर ऑन मंडे, ठीक है। अच्छा अभी तो ट्यूसडे है, मंडे को आएगा भाई, मंडे को नहा धो के, चलो मंडे को आएंगे नहा धो के। अभी चलते हैं अपन, जैसे कि अपन ने कहा था कि अभी नेबरहुड में चलते हैं। अबे यार मेरे पास ये गाड़ियां भी तो हैं, वहां पर दो गाड़ियां और खड़ी हुई हैं, तो उनको भी अभी बाद में सजाएंगे, ठीक है। पहले सॉरी अपने नेबरहुड में चलते हैं, कुछ देख के आते हैं जो हमें घर हमें बेचने वाला है। भाई एकदम सामने ही है, तो इस पे कॉल करना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है ओके। तो ये है सिर्फ 60,000 का, और इसकी पार्किंग ये है शायद ना, ठीक है। तो अपने को ये खरीदना पड़ेगा, तो ज़्यादा हमारे पास पैसे तो हैं ही, ठीक है, अभी एक दो गाड़ी बेचकर अपन खरीद सकते हैं। तो अभी क्या चलता हूँ, मैं चलता हूँ ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस से पहले एक बार घूम के आते हैं कार मार्केट, ठीक है, कार मार्केट, ठीक है। अब यार ये ऑडी चाहिए थी मेरे को, ये कितने की बेच रहा है, एक सेकेंड, ये बहुत सारी डैमेज वगैरह है, पिछली बार तो 6 लाख की थी, ये 4 लाख की बेच रहा है, तो इसको तो अपन सेट वगैरह कर सकते थे, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है भाई, पैसा होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, और तो गाड़ियाँ कुछ खास है नहीं यहाँ पे, सब लुल्लू पुंजू सी गाड़ियाँ हैं, तो चलो भाई कोई नहीं, एक ही गाड़ी बढ़िया थी। चलो ये तो फिर मुझे लगता है आती रहेगी सेल में मार्केट प्लेस पे, तो बाद में खरीदेंगे। अभी चलते हैं अपन ऑफिस पे, तो जितने भी हमारी गाड़ी वगैरह हैं, और जैसे यहाँ पर मेरी एक दो गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो इनको भी अपन लेकर चलते हैं,
ऑक्शन में खरी, हाँ ऑक्शन में खरीदी थी मैंने। एक तो ये खरीदी थी बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू है ना ये, हाँ बीएम, रुको इसकी कार डिटेल में लिखा होगा, बीएमएम है भाई, बीएमडब्ल्यू नहीं है ये, बीएमएम है। और ये कौन सी है, किया, किया कार्निवल, हाँ किया कार्निवल, करनानल है, किया कार्निवल को किया करनानल है। लेकिन यार गाड़ी तो मस्त लग रही है वैसे, चलो इसको लेकर चलते हैं। आवाज भी बढ़िया भाई इसकी तो इसको थोड़ा सा सेट वगैरह कर लेते हैं, इसकी डर्टनेस वगैरह सारा कुछ इसको सही से, अपन जितनी भी गन मैनी इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो एक बार चेक करवा लेते हैं ना। आवाज आवाज तो करती नहीं है बिल्कुल भी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ही दिक्कत नहीं है। तो इसके थोड़े से टायर वगैरह चेंज कर लेता हूँ है ना, और टायर भी देखते हैं यार, टायर भी सही है, थोड़े से कलर वगैरह हो जाए ना वाइट वगैरह तो ज़्यादा सही लगेंगे। रुको टायर देख के आते हैं थोड़े से, फिर इसको बेचने की कोशिश करेंगे बढ़िया से, ठीक है बढ़िया से प्राइस पे थोड़े से। तो चलो भाई इंजीनियर साहब बताइए कौन से टायर इसमें लगाने चाहिए, रेसिंग किट वगैरह इसमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, व्हील सीधा चेंज करो। हाँ ठीक है इतना बहुत है, बस इतना बहुत है। और कलर वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं, कलर भी ठीक ही है यार, अभी थोड़ा चमक चमक लग रही है, कलर वगैरह करके हम करेंगे क्या इसमें है ना, ज़्यादा तो खास है नहीं, तो इसको अभी लेकर चलेंगे कलर वगैरह करवाते हैं, अंदर खड़ी करते हैं। और जो मेरी दूसरी गाड़ी है वहाँ पर खड़ी हुई, उसको भी लेकर आते हैं, उसमें देखते हैं बीएमएम भाई जो भी है उसको, उसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। उसको भी हमने खरीदा था, कितने में खरीदा था, शायद अपन ने उसको भी 30 40 50 60 में तो खरीदा ही होगा है, एक मिनट देखता है, इसको खरीदा था अपन ने 22 22.5 में, इतनी सस्ती बिकती है। चलो तो भाई इसको भी लेके चलते हैं अंदर, नकली बीएमडब्ल्यू है ये, बहुत सस्ती है भाई, इसका कुछ जुगाड़ करवाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं है। वैसे मैं वहां भी देख ही सकता था, मैंने दिमाग नहीं लगाया, बस इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो एक काम करते हैं इसको साफ सफाई करके, यार इसके टायर भी सही है, इसके टायर भी सही हैं, तो इसके ऐसे टायर रहने देंगे। भाई टायर तो मस्त है, इसकी साफ सफाई करके थोड़ा कलर चेंज करवा देते हैं ना, एकदम प्योर वाइट है भाई, भाई साहब गाड़ी तो बढ़िया लग रही है। हो गई पूरी क्लियर हो गई, और कुछ रह गया, कहीं रह गया, कुछ रह गया आगे का बम। चलो भाई एक स्किल पॉइंट भी मिल गया इसी के साथ साथ, और हमारी बीएमडब्ल्यू भी हो चुकी है कम साफ सुथरी इसके, लेकिन कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसको कलर करते हैं कुछ अच्छा सा है ना, अपने को भी तो कुछ कलाकारी हो करनी चाहिए ना अपनी तरफ से ताकि गाड़ी का पता चले। तो इसका ब्लू नहीं यार, ब्लू ब्लू ओके, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है ना, थोड़ा डार्क डोर सा, ओ भाई सा पूरी मेटालिक, ये ठीक है, ओ सॉरी स्मूथनेस और मेटालिक, हाँ ये ठीक, ये इतना ठीक है, पॉलिश अच्छी हो गई। चलो अब लग रही है भाई साहब बीएमडब्ल्यू, बीएमएम सॉरी, उल्टे सीधे कलर करता रहता हूँ मैं, पहली बात तो कलर का आइडिया है नहीं वैसे, लेकिन अपन करते रहते हैं। तो भाई इससे पहले तो हमें बेचनी पड़ेगी ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ रुको, तो यहाँ से जो हमारी ये गाड़ियाँ हैं ना इनको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से मतलब एक तरफ कर देता हूँ, एकदम स्मूथ भाई साहब, नो आवाज इन दिस गाड़ी, लेम्बोर्गिनी। और अपनी निसान भाई जीटीआर, ये तुमने भाई साहब सही गाड़ी बता दी तुमने, बहुत ही रेयर गाड़ी होती है, इसको
इसको रखते हैं साइड में, और आवाज भी भाई साहब बढ़िया इसकी। चलो स्किल पॉइंट बढ़ा है तो अपन क्या बढ़ाएं, एक मिनट रुक जाओ, क्या बढ़ाएं? रिपेयर स्पीड नहीं, फ्यूल प्राइस, पेंटिंग, ट्यूनिंग प्राइस, वॉश स्पीड। वॉश स्पीड, अच्छा वो तो वो गाड़ी जो धोएगा उसकी स्पीड तेज हो गई ना। रिपेयर बढ़ा देते हैं ना, हमें रिपेयर जब करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक गाड़ी ये भी तो है, ये हमने ऑक्शन से खरीदी थी ना, तो इसको अभी रहने देते हैं। तो इनको करते हैं सेल पे, है ना, ये जो गाड़ियां हैं इनको अपन सेल पे लगाते हैं। ये सुपर जो कार्स हैं इनको अभी साइड में रखता हूँ मैं, इसको अभी सेल पे नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी मेरे को जरूरत है नहीं इतने पैसों की अभी, यानी वैसे जरूरत नहीं है, जो हमें आज काम करना है बस वो, उसके लिए अभी पर्याप्त बैलेंस है हमारे पास। एक दो गाड़ी बेचने के बाद आ ही जाएगा। तो इसको एक ट्रक इसको कर देते हैं खड़ा, है ना, और हमारी ये जो गाड़ी है BMM इसको भी लगाते हैं अपना अच्छी सी जगह पे, और देखते हैं कितने में बेच सकते हैं इसे। चलो भाई अब करते हैं सारी गाड़ियाँ सेल लगा देते हैं, है ना, तो लेट्स गो। हमें वैसे भी अच्छा प्राइस मिलने ही वाला है, तो पोर्शे इसको तो नहीं बेचेंगे, उंडे है, उंडे फेंडा, ये कौन सी गाड़ी होती है भाई, चलो पुट इट ऑन सेल। कितने प्राइस पे? 45, 483। चलो एकदम जो हमें सजेस्टेड है, 1300, 1300। ओ भाई अच्छा इतने की है, चलो 1300, 90 की मैं लगा देता हूँ, है ना, और अपन 81 में बेच देंगे, ठीक है। BMW इसकी प्राइस है 36 बताओ, तो भाई उसको नहीं बेचूंगा मैं 1300 को, इसको अपन 40 में बेचेंगे, ठीक है। और जो बाकी है किया कार्निवल, ओ भाई ये भी महंगी है, यानी ऑक्शन में मिली थी, चलो कोई नहीं इसको भी 90 पे लगते हैं, ठीक है। अपन टेस्ला को नहीं बेचेंगे, ठीक है। चलो आई रात हो गई, ओके बीरो तू आ गया खरीदने, 30,000 मन्ने लगाओ। हाँ, भाई इतने में नहीं बेच सकता मैं, सॉरी पहली फुर्सत में निकल। चलो भाई अभी तो ये रात हो गई है, इसको ऑफिस को करते हैं बंद, आते हैं जल्दी से। तो भाई ऑक्शन भी शाम को 5 बजे है, तो सारी गाड़ियां अपन बेचने के बाद देखते हैं कोई नई गाड़ी मिल सकती है तो उसको भी बेच देंगे, है मतलब उसको खरीद लेंगे ऑक्शन में, कोई अच्छी सी गाड़ी मिलती है तो। अभी के लिए फिलहाल ऑफिस अपन ने ओपन कर दिया है, और गाड़ियां थोड़ी मैं साफ सुथरी कर देता हूँ, स्किल पॉइंट्स कमा लेते हैं थोड़े। तो भाई यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा भीड़, मतलब दो बंदे आए हैं 1300 को खरीदने, तो 1300 को मैंने 90,000 में बोला है, ठीक है, वो तो ये कितने में देख भाई, इतने में तो बिकेगी ना यो, ठीक है। 81,000, 1,000 है भाई, इतना अच्छा ऑफर इतने में बिकेगी ये, तो लेना है तो ले। ओ भाई 8,10,000 कर दिया मैंने, अच्छा मैंने प्राइस रेस कर दिया, ले भाई कम कर दिया, 81,000 में ले रहा है तो ले। नहीं भाई मैं कम नहीं करने का, सॉरी आई कांट, 81,000, 80,000 लास्ट, ठीक है 80,000 में हाँ जा, फिर इतना टाइम वेस्ट मत कर, चल सकल है नहीं, जब खरीदनी नहीं होती है तो आया मत करो मेरे यहाँ पे। खैर 90 आप कितने देंगे, ऐसा करो आप भी जाओ। और बताओ भाई साहब क्या हाल है तुम्हारे, चाय पानी कुछ नाश्ता? 45, 26,000,
देखो जितने मैंने खरीदे उससे भी कम मांग रहा है, ऐसा कर नहाने जा। 22,000 की मैंने यानी 23,000 की खरीदी है, 27,000 की ये दे रहे हैं और मैंने 40,000 मांगे। भाई एक काम कर, तू 35 में डन कर, क्लोज कर डील, क्लोज क्लोज कर। इज देर एनी रूम फॉर नेगोशिएटिंग द प्राइस डाउन लिटिल? नहीं भाई। चल 34,500 इतने में। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग। मैं भाई नहीं करनी यार छोड़, गरीब लोग आ जाते हैं ना मेरे को बड़ी खुंदक आती है। ओ भाई साहब इन सब से कौन डील करेगा जल्दी जल्दी? 30,000 मैंने मांगे हैं, ये कितने देगा? 22,000। तू एक काम कर, बहुत टाइम से खड़ी हुई है ना, तू ले जा 25,000 ले जा। 28,000 बोलता हूँ पहले, फिर 25,000 बोलूँगा। देख आखिरी अगर खरीदना है तो खरीद जल्दी है। ओके 26,000 में ले गया यार, और तो मैंने देखी ही नहीं, औरों ने कितने प्राइस बोले थे? शायद वो जल्दी लेकर जाते, ज़्यादा दे कर जाते। इसका मैंने 90 मारा है। हाई डूड आई थिंक 64,000 यार, 50,000 की तो मैंने खरीदी है। नहीं यार 80 दूंगा, 80 दे रहा है तो दे आखिरी प्राइस ना 80। अब इट ले फिर 79, इससे कम नहीं कर सकता बे। 89, 79 बोल तो दिया, लेना है तो ले वरना जा भाई, और भी खड़े हैं कतार में। हाँ चल ठीक है, और मिड डमर। अरे यार एक तो एक गाड़ी हटानी पड़ेगी मुझे यहाँ से। तो भाई यहाँ पर भाई साहब टेलेसा को खरीदने के लिए आए हैं थिंक, बट मैं प्राइस भाई साहब जो अच्छा सा कोट करेगा ना स्टार्टिंग में ही उसी को देख के बेचेंगे, है ना? 33 ओके। नहीं यार इतने नहीं, बार्गेन 40 दे दे, दे रही है तो दे 40। रुक जा एक मिनट, दूसरे को भी देख लेना भाई, उसका भी ऑफर देख लें वो कितने में देगा लेगा। हे ब्रो, हाय ब्रो, ओ आई नीड टू थिंक। काम कर तू तो शकल ही मत देगा, कम से कम ये 33 तो दे रही थी। इसको मैंने 40 बोले थे ना, तो इसको बोलते हैं। अरे यार भग गई, गुस्से में भग गई। 21? पर क्या पागल है क्या, दिमाग से पैदल लोग क्या भांग खा के आ रहे हैं क्या गाड़ियां खरीदने? कोई ढंग के प्राइस ही नहीं दे रहा भाई, क्या चल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 63 ओके चलो, ये भी 10,000 ज्यादा ही दे रही है यार। 75,000 दे रही है तो दे ओके। 74, 74 दे रही है तो दे ओके। पैसे डबल दे दिए भाई इसने। चलो वैसे मैंने और किसी का देखा नहीं ऑफर, और किसी का भी देखना चाहिए था। 64,000 दे रही है। नहीं यार 51 तो मेरे ही है ओके। 89, 89 दूंगा। और नीड टू थिंक 64,000, 88, 1,000 कम करूंगा मैं बस, ज्यादा नहीं। चल 485, 2,000 कम कर दिए। मैं बेचना ही नहीं। ओके मैडम आप बताइए, वैसे यार ये वाली गाड़ी तो मेरे को बेचनी ही नहीं, ये मेरे को नहीं बेचनी भाई, इसके लिए कुछ जो भी कस्टमर आएगा इसको नहीं बेचनी मुझे, वाइट वाली। हाँ यहाँ पे आओ ओके। 90,
49। अच्छा, शर्म तो होगी नहीं, 61,000। ओके चलो, इससे मानते हैं 75,000। 75,000, 74,000। अरे यार, कुछ तो ढंग की प्राइस दो। इस तरह में 73,000 बस, इससे कम नहीं। नहीं भाई, इतने कम में नहीं दे सकता मैं। ओके, बीएमडब्ल्यू खरीदने आई है मैडम, 40,000 मांगे मैंने बस। ओके, इसको मांगते हैं 35,000। नहीं भाई, इतने में नहीं, 33,000। 33,000 में दे ले रही है तो ले। ओके, इस तरह नहीं भाई, 32,000 बस। क्या बोलूँ, 32,500, नहीं, 31,500 है ना। ले भाई, डिस्काउंट ले ले, और क्या लेगी। खरीदनी नहीं तो आई क्यों। इसको बेचते हैं, एक और मैडम आ गई, डू आई हैव टू थिंक अबाउट 63। ठीक है, ओके, 63 दे रही है तो 75 से चालू करते हैं ना, तो 75। ओके, 73। ओके, 73 में बिक गई भाई। चलो, लेट्स गो टू 40,000 वाले बीएमडब्ल्यू के लिए। 28 दे रहा है, हाँ तो 35 से स्टार्ट कर ही सकते हैं ना। 28 दे रहा है तो 35 तो दे ही देना चाहिए। इज देयर एनी वीगल रूम टू ऑन द प्राइस। 35, 34। डिस्काउंट 34। ओके चल, 32,500, ना तेरा ना मेरा। अब ले जा। चल भाई, ले गया। चलो भाई, इसको तो बेचनी नहीं है मेरे को, ये वाली गाड़ी अपन रखेंगे इधर उधर आने जाने के लिए। चलो, हो गया मैडम। वैसे लास्ट चांस, 45 मैंने मांगे हैं, सही मांगे हैं, मैं एकदम सही मांगे हैं। ओके ओके, ठीक है। नहीं यार, ये नहीं सेल करेंगे, तो अभी चलते हैं अपन अपने घर खरीदने। ठीक है, एक नया घर खरीदने चलते हैं, और चलेंगे अपन अपनी इससे। ठीक है, कौन सी गाड़ी से, निसान से भाई। इसको साफ सफाई कर लेते हैं पहले थोड़ी, इसी से चलेंगे भाई। जब है अपनी गाड़ी तो अपनी गाड़ी से चलेंगे। इसका थोड़ा कलर वाला चेंज कर लूँ, वैसे लग तो रहा है कि ये सुपर कार, मतलब वैसे वाला कलर मैंने रखा हुआ है, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा। चलो भाई, घर किधर है, घर इधर ही है शायद, नेबर तो इधर ही है, इधर ही चलना चाहिए अपने को। भाई साहब, क्या गंदा ही ड्रिफ्ट मारता है यार। तो भाई आ गए अपन इधर, और देखा तुम्हारा भाई आ गया है। देखो भाई, और बेटा होमलेस को ले भाई, तू पैसा ले, तू है ना, पैसे भी। ओ भाई, रात में क्या चमक रही है गाड़ी, हल्का सा वो मैंने शाइनिंग कर रखा था ना। चलो भाई, यहाँ पे ढूंढते पहले बस स्टैंड। बस स्टैंड के आसपास था ना, तो बस स्टैंड किधर है, इस तरफ था शायद। भाई इधर भी नहीं है,
बस स्टैंड के आसपास सामने ही था घर। रुको देखते हैं, ये रहा भाई बस स्टैंड, ये रहा। और अपनी गाड़ी पहले लगा देते हैं इधर, है ना। वैसे रात में ही अपन खरीदने आए हैं तो कोई बात नहीं, सुबह खरीदेंगे। तो भाई देखो, अपन ने कोई भी पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, 2,05,500 रुपया अपन ने कमाया है गाड़ियां बेच के, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं, कहाँ चलना है हमें? ओके, अपन तो नेबरहुड में जा रहे थे ना। हाँ, सामने वाला बंगला खरीदना था हमें। तो भाई अपनी GTR खड़ी हुई है और इधर BMW खड़ी हुई है इधर। अच्छा, ये वाला अभी तो ट्रक बेचा है हमने, और यहाँ पर कितने का मिल रहा है? होंडा स्टेप 22,000 का मिल रहा है। चलो सही है, यहाँ पे बार्गेन वगैरह करके अपन। तो भाई देखो, अपनी गाड़ी गंदी पता नहीं, हमें रखना पड़ेगा किसी को साफ सफाई के लिए, बार बार गंदी हो जाती है भाई। सुबह गाड़ी साफ मिलनी चाहिए हमें। कोई बात नहीं, रखेंगे अभी। तो सबसे पहले बंगला खरीदते हैं अपन, लेट्स बाय इट। तो भाई देखो, अपना घर यहाँ पर ये वाला है। नाम वाम नहीं लिखना क्या? नाम वाम लिखा होना चाहिए था। ओके 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 ओके, यहाँ पर भी सो सकते हैं अपन। वैसे नेक्स्ट डे बढ़ गया फालतू में, एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये है सीन भाई, यहाँ पर भी सो नहीं सकते क्या? बस वहीं पे। अच्छा, इधर ये रहा भाई, और ये है अपना छोटा सा घर। ला 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 ला। ओ भाई देखो, ये सब जो इंटीरियर बना हुआ है लकड़ का, कितना प्यारा सा लग रहा है यार। ये देखो, खादी टाइप का लग रहा है। और बस इतना ही है? पीछे की बिल्डिंग बिल्डिंग कहाँ है भाई? पीछे से तो बड़ा सा लग रहा था। अच्छा हाँ, इतना ही है। तो ये वाला एरिया कहाँ है भाई? ये वाला मेरे को ये भी तो देखना है, पीछे का एरिया कहाँ है? मेरे को पीछे का एरिया पे भी तो जाना है यार। ये तो गलत बात है, पीछे भी सेम ही है तो पीछे भी मेरे को जाना चाहिए था भाई। जब अपने ने पूरा खरीदा है तो पूरा दो ना अच्छे से। कोई बात नहीं भाई, अभी हमने खरीद लिया है अपना घर, पहला घर खरीद लिया, ठीक है। और भी खरीदेंगे अभी। तो अभी भाई आज के गेम प्ले में बस यहीं तक रखते हैं। सॉरी फॉर लो वॉइस, और थोड़ा सा वॉइस भी ऐसी वैसी आ रही होगी, तो उसके लिए अभी सॉरी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्लेइंग, बी सेफ, स्टे हेल्दी।